तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी के तहत जो है एग्रीकल्चर में जो है 1051 पदों की वैकेंसी आ चुकी है, यानी एग्रीकल्चर पोस्ट के तहत जो है 1051 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस फॉर्म को भरने के क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलने वाला है, क्या वाकई में वैकेंसी आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, अगर वैकेंसी आई है बीपीएससी के तहत एग्रीकल्चर में किस पोस्ट पे वैकेंसी है, कितना पोस्ट है, क्या फी है, मैं आपको इन सभी सवालों पर जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे, यानी लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, तो हो सके तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो बीपीएससी के तहत जो है एग्रीकल्चर विभाग में 1051 पदों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और खुद से किस तरह नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं जो है बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये वही नोटिफिकेशन है। हम चाहें तो आपको डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना, ताकि आपको डायरेक्ट जो है आपको हम दिखा देंगे इस तरह वैकेंसी है, और जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सर्च करेंगे आपको देखने में थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए किस तरह खुद से निकाल सकते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पे दिखा देते हैं लेकिन जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे सब चैनल से बचे रहें ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूँ और खुद से किस तरह आप देख सकते हैं वो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे, नया पेज ओपन कर लेना है। नया पेज ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना बीपीएससी लिख के सर्च कर लेंगे, फर्स्ट मेंशन करा बीपीएससी, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन जाएंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसके तहत किसी तरह का वैकेंसी आता है सारा यहाँ पे जानकारी होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करने वाले एग्रीकल्चर विभाग में 1051 पोस्टों की वैकेंसी है, इसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको ओपन होना है। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ जैसे मेंशन करा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे इस पर क्लिक करके ओपन होंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर लेंगे। जैसे ओके हो जाएगा, जितना भी एप्लीकेशन होगा तो सारा यहाँ पे शो होता है, जैसे देखते हैं वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, सारा यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला जो मैं बात करने वाला है बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी वन, जैसे इसको कैटेगरी बाय कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कैटेगरी वन को देखना है, कैटेगरी टू देखना है, कैटेगरी फाइव देखना है, या कैटेगरी वन देखना है, जिसको भी देखना है उसके सामने देख सकते हैं उसका स्टार्टिंग डेट मेंशन कर रहा है, 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, 28 तारीख तक फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन एंड का डेट जो 28 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और सब आगे बढ़ेंगे जहाँ देखते हैं सब में जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन दिख लेते हैं कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन पहले समझा देते हैं इस फॉर्म किस कैटेगरी पे कितना पोस्ट है, सारा चीज जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जैसे तो इसी के तहत नोटिफिकेशन है। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात किया जाए, सबसे नीचे देख लेते हैं कि एक कैटेगरी में जो है 866 पोस्ट है, दूसरा में 11 पोस्ट है, अगला में जो है 19 पोस्ट है, और फर्स्ट का जो वैकेंसी है जिसमें 155 पोस्ट में वैकेंसी है। जब टोटल को ऐड कर लें आप 1051 टोटल पोस्टों में वैकेंसी आ जाएगा। आगे बात करते हैं बिहार कृषि सेवा कोटी वन के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसमें जो टोटल पोस्ट की बात किया जाए, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप योजना निर्देश आत्म सहायक निर्देश शाखा एवं असमक्ष की बात किया जाए, इसमें सिर्फ 155 पोस्टों की वैकेंसी। कैटेगरी बाय कैटेगरी देखा जाए तो सारा चीज़ हमें मेंशन दे दिया गया, आप खुद से भी देख सकते हैं, और सभी में जब 35% महिलाओं का अलग से आरक्षण दे दिया गया है। अगला पोस्ट की बात किया जाए बिहार कृषि कोटी टू के लिए, जिसमें कृषि अभियंत्र सहायक निर्देश कृषि अभियंत्र लेवल 9 के तहत आएंगे, इसमें 19 पोस्टों की वैकेंसी है। आगे बात किया जाए बिहार कृषि सेवा कोटा कोटी 5 के तहत जो आएंगे उसमें 11 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला है बिहार कृषि अधिनियम सेवा चयन कोटी 1 के तहत जो शीर्ष प्रखंड कृषि पदाधिकारी के तहत जाएंगे, जिसका लेवल 7 पर उसका चयन किया जाएगा, उसमें 866 पोस्टों वैकेंसी है, इसमें कुछ ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी है। अब इधर इसके डिटेल्स समझ लेते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ जिसमें मेंशन करें शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए, तो अगर बिहार कृषि सेवा चयन कोटी 1 के लिए जो फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं, इसमें जो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संयंत्र में यानी बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर जिनके पास है खासकर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन जो लोग एग्रीकल्चर से किए हुए वही लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं बिहार कृषि सेवा कोटी 2 के तहत जो आएंगे, इसमें मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि सहायक
कृषि अभियंत्र में स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी कि आप जो अप्लाई करते हैं चारों पोस्ट में जैसे कृषि विश्वविद्यालय स्नातक विश्वविद्यालय कृषि संकाय इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए जो पौधा संरक्षण के साथ जो स्नातक किए उनके लिए पोस्ट है। अगला जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विद्यालय स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं वो लिख फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो उम्र सीमा जिसने फॉर्म भरने के लिए एज जो है 21 साल से लेके जो है 37 साल के बीच रखा गया है। यानी फॉर्म भरने का स्टार्टिंग एज क्या है 21 साल और आपके कैटेगरी हिसाब से बात किया जाए अधिकतम अनुच्छित पुरुष लोग जो 37 साल के लोग अप्लाई करेंगे। पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला लोग जो रहेंगे आरक्षित महिला उसमें 40 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। वर्ष जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों लोग जो है 42 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी कि लास्ट जो है 37 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन एज में उनको जो छूट मिलता है तो टोटल 42 साल तक के बाद जो फॉर्म वो अप्लाई करेंगे। और आगे देख लेते हैं कि चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा जिससे विषय सामान्य हिंदी रहेगा। पत्र पुनः 100 का रहने वाला 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगला सामान्य ज्ञान जो एक पत्र पर होगा 100 पूर्णांक का रहने वाला या 2 घंटे का ये भी एग्जाम होने वाला है। आगे बात किया जाए बिहार कृषि सेवा कोटि शस्य के तहत जो है 200 पूर्णांक का एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। आपका टोटल यहाँ सब्जेक्ट दे दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं फॉर्म जो है फी वगैरह भी देख लेते हैं क्या फॉर्म भरने में क्या फी वगैरह रखा गया है। तो देख लेते हैं आरक्षित वर्ग में ये हो गया कैटेगरी से कोटि कैटेगरी से लेकर यहाँ कोड दे दिया है जैसे कि अनुसूचित जाति में जो है SC को जो है 02 कोड से सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जनजाति वालों को ST के तहत जो है 3 कोड से जो है सम्मिलित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले को जो है EWS जो कोटि 4 के तहत आएंगे और पिछड़ा वर्ग वालों जो BC जिसको बोलते हैं वो कोटि 5 के तहत आएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो आते हैं EWS में जो आते हैं वो कोटि 6 में जाएंगे। उनका कोड वहाँ पर चयन किया जाता है। और आगे देख लेते हैं इस फॉर्म में जो फी की बात किया जाए तो फी देख लेते हैं फॉर्म भरने में क्या फी रखा गया है। शुल्क यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया जा रहा है शुल्क। अब रही बात कि शुल्क इस फॉर्म भरने में शुल्क क्या रखने वाला है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए जो है बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अलग अलग प्रत्येक परीक्षा तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सहायक निर्देश सहायक निर्देश कृषि अभियंत सहायक निर्देश पौधा संरक्षण प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाएगा 200 रुपया जो आपको बायोमेट्रिक फी लगने वाला है। और अगर सामान्य आर्थिक रूप से जो है 750 रुपया लगने वाला है। अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 200 रुपया लगने वाला है। सभी आरक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार को भी 200 रुपया लगने वाला है। दिव्यांग अभ्यर्थी वालों को 40% से अधिक जो रहेंगे उसे 200 रुपया लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवार को 750 रुपया लगने वाला है। जो भी उम्मीदवार होंगे उसे 750 रुपया लगने वाला है। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए तो 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 28 जनवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अब ये सब जानने के बाद फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के सबसे पहले आपको क्या करना है बैक पे आके क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से आने का सबसे पहले सबसे लास्ट में देखें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करके आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आ जाएंगे आपको अप्लाई का जो पोस्ट होगा यहाँ से अप्लाई कर लेंगे नहीं तो थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ देख सकते हैं मेंशन कर रहा है जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा ओपन नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिहार एग्रीकल्चर विभाग में जो है 1051 पौधों की वैकेंसी आ चुकी है। मेरा काम है आपको वैकेंसी की सही जानकारी देना कि किस जगह से कितना पोस्ट है और नोटिफिकेशन क्लियर समझा देना यानी कि इस पे कितना एज लिमिट है क्या फी है। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। मैं वहाँ पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो उसके वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इसी तरह का अपडेट या वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।